हेलो एवरीवन, आज का हमारा पाठ है शीर्ष के फूल, जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस पाठ में शीर्ष के फूलों का सौंदर्य, महत्व और उनका स्वरूप कैसा होता है यह बताया गया है। ज्येष्ठ की जब बहुत तेज चलती हुई धूप होती है, यानी मई और जून का जो महीना होता है, उसमें शीर्ष के पुष्प ऊपर से नीचे तक लग जाते हैं। कम ही फूल इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि इतने तप्त महीने में फूलों से घिरे हों। लेखक शीर्ष के वृक्षों के नीचे बैठा हुआ है और कहता है कि अमलतास भी जेठ में फूल देता है, लेकिन वो केवल 15-20 दिन के लिए ऐसे फूल देता है। और कबीर जी को ऐसे फूल पसंद नहीं थे। कबीर जी कहते हैं कि दिन दस फूला फूली के खखंड भया पलास। शीर्ष वसंत के साथ ही फूलों से लग जाता है और आषाढ़ या भादवे तक फूल देता रहता है, यानी कि लगभग 2 या 3 महीने तक फूल देता रहता है। लू हो, भीषण गर्मी हो, यह एक सन्यासी की तरह अटल, अमर, अजर खड़ा रहता है। और शीर्ष के जो वृक्ष होते हैं वो बड़े विशाल छायादार होते हैं। पुराने टाइम में रईस लोग इन वृक्षों से अपने महल की चार दीवारियों को सजाया करते थे। पुराने कवि बकुल के पेड़ में झूला डालने की हिमायत करते थे। कवि सोचता है कि शीर्ष के वृक्ष में झूला क्यों नहीं डाला जाता। माना कि शीर्ष की डाल कमजोर होती है, परंतु उस पर झूलने वालियों का वजन भी तो कम होता है। संस्कृत साहित्य में शीर्ष को बहुत ही कोमल माना गया है। कालिदास ने भी लिखा है कि शीर्ष भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन नहीं कर सकता है, पक्षियों का नहीं। लेखक कहता है कि लोगों ने यह समझ लिया कि शीर्ष का सब कुछ कोमल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फल इतने मजबूत होते हैं शीर्ष के कि नए फूल आने पर भी अपने स्थान से झड़ते नहीं हैं। जैसे तैसे नए फूल मिलकर उन्हें धक्का दे करके विदा कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। इन्हें देख करके लेखक को आज के बूढ़े नेताओं की याद आ जाती है, जो युवा नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और हमेशा कुर्सी पर जमे रहना चाहते हैं। यानी कि शीर्ष के फूलों की तुलना बूढ़े नेताओं से की है। निबंधकार को ये समझ में नहीं आता कि पुराने लोग अपने अधिकार को जमाए रखने के लिए इतना सावधान क्यों होते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु जीवन का एक शाश्वत सत्य है, यानी कि मृत्यु तो आनी है। और शीर्ष के फूलों को भी फलते ही समझ लेना चाहिए कि झड़ना तो एक दिन है ही। महाकाल निरंतर कोड़े चला रहा है। महाकाल निरंतर कोड़े चला रहा है का मीनिंग ये है कि एक दिन सबको मृत्यु को प्राप्त होना है, परंतु ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। प्राणधारा और महाकाल के बीच संघर्ष चल रहा है, यानी कि लोगों की जीने की इच्छा और मृत्यु के बीच में संघर्ष चल रहा है। यदि हिलते डुलते रहे तो कोड़े की मार से बच सकते हैं, जमे कि मरे। यानी कि आप एक जगह जम गए तो आप पर मार पड़ेगी, और आप इधर उधर घूमते रहेंगे तो मार से बच जाएंगे। फिर वह कहता है कि शीर्ष का फूल जो है एक सन्यासी की भांति खड़ा हुआ है, अवधूत की भांति खड़ा हुआ है, और यह कभी भी सुख दुख में हार नहीं मानता है। धरती और आसमान जब भी जलते रहते हैं तो यह अटल खड़ा रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने उन्हें बताया कि शीर्ष का पेड़ वातावरण से रस खींचता है और भयंकर लू में भी इसमें केसर उग सकती है। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर भी शीर्ष के समान थे, मस्त थे, बेपरवाह थे, मादक थे। कालिदास भी कोई अनाशक्त योगी होंगे, तभी वे मेघदूत जैसा काव्य रच सकते हैं। कालिदास ने मेघदूत एक कविता लिखी थी, जो कवि अनाशक्त नहीं हो पाता, फक्कड़ नहीं होता, केवल लेखा जोखा लिखता रहता है, वह कवि कहाँ है। यानी कि जो कवियों की विशेषता यहाँ पर क्या बताई है कि कवि हमेशा यहाँ पर लेखक कहता है कि शीर्ष को देखो, वो कितना मस्त होता है, कभी भी मौसम की परवाह नहीं करता है। कालिदास अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ थे, यानी कि वो सम भाव से सभी चीज़ों को देखते थे, संसार की सभी
वस्तुएं उनके लिए समान थी। उनका अगर श्लोक आप पढ़ेंगे तो उनका हर श्लोक मुग्ध करने वाला है। उन्होंने शकुंतला के बारे में बताया था, शकुंतला बहुत ही सुंदर थी। कालिदास लिखने वाले थे तो वो भी उतने ही सुंदर थे। शकुंतला के प्रेमी राजा दुष्यंत थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था। फिर उन्हें लगा कि उसमें कोई कमी रह गई है। बाद में उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कान में वो शिरीष पुष्प तो लगाना भूल ही गए, यह उनके चित्र में कमी रह गई थी। कालिदास बाह्य सौंदर्य जो था उसको देख करके उसके भीतर जाने की क्षमता रखते थे। वे सुख और दुख दोनों में एक समान भाव खींच लिया करते थे। चाहे सुख का वर्णन हो या दुख का वर्णन हो, दोनों को उसी तरीके से वो बताते थे। और यही अनाशक्ति सुमित्रानंदन पंत जी में भी पाई जाती है। उनकी कविताएं भी आपने पढ़ी होंगी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनमें भी यही थी बात। वे लिखते हैं कि राजोद्यान का सिंह द्वार यह नहीं कहता कि हम में आकर सारा रास्ता समाप्त हो गया है, यानी कि कोई चीज़ भी किसी चीज़ का अंत नहीं होती है। शिरीष इतना कठोर है, अवधूत की भांति है कि लेखक के मन में लिखने के लिए उसे प्रेरित करता है। वह चमचमाती धूप में भी खिला हुआ होता है। अगर आज के देश की तुलना इस बात से करें तो हमारे देश में जो लूटपाट, मारकाट, अग्निदाह, भ्रष्टाचार आदि फैले हुए हैं, क्या ऐसे में क्या हम स्थिर रह सकते हैं? लेखक ये पूछता है। शिरीष रह सकता है, यानी कि ये सब जो मारकाट आदि हो रही है इनकी तुलना धूप से की है और व्यक्तियों की तुलना शिरीष से की है। तो लेखक कहता है कि गांधी रह सकते हैं। गांधी जी वातावरण से रस खींच करके कोमल और कठोर बन सकते हैं, लेकिन वे कहता है कि आजकल ऐसे अवधूत कहाँ है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो शिरीष की तरह देश के वातावरण में अटल अमर अवधूत की तरह खड़ा रह सकता हो।